दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। अभी जस्ट मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया है MGUG एंट्रेंस टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला, जिसमें मैंने आप सबसे पूछा था क्या इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने देखा आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा है कि ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सीरीज है इसे आगे बढ़ाया जाए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है उसके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग उसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी कि हु अमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। बहुत ही आसान प्रश्न है, सही जवाब है अरस्तु, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बांस क्या है, यानी कि व्हाट इज़ बैम्बो, यानी कि क्या ये जड़ी बूटी है, पेड़ है, झाड़ियाँ है या फिर घास के अंतर्गत आता है। तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, सही जवाब है घास, यानी कि ग्रास, जो कि बांस होता है वो एक घास के कैटेगरी में आता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए कवक के अध्ययन को बोला जाता है माइकोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे मेढक जैसे दिखते हैं, जल तथा थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं, आवास को महत्व नहीं देते हैं या फिर कीड़े खा सकते हैं। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से क्या सही जवाब है ये आपको बताना है। तो देखिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो उभयचर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये जल तथा थल दोनों ही जगह पर पाए जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं, यानी कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सही जवाब है हरित लवक, यानी कि क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं, क्या उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो देखिए जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें होता है कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आज के इस वीडियो का, हेप्टाक्लोर रसायन है, क्या ये चूहा मारने की दवा है, फफूंद नाशक दवा है या फिर कीटनाशक दवा है या फिर अपतृण दवा है यानी कि वीड मेडिसिन। तो देखिए जो हेप्टाक्लोर रसायन है यानी कि हेप्टाक्लोर केमिकल, वो कीटनाशक दवा होता है यानी कि पेप्टिसाइड ड्रग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस प्रकाश किरणों को करता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें आपको निकट की तो वस्तु दिखाई देती है बट जो दूर की वस्तु होती है वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो जिन लोगों की भी आंखों में ये एरर होता है उनको डॉक्टर प्रेफर करते हैं कॉनकेव लेंस लगाने के लिए, यानी कि अवतल लेंस उनके चश्मों में यूज किया जाता है। और अवतल लेंस क्या करता है, वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है यानी कि अपसारित कर देता है यानी कि डाइवर्जेंट कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन कार्बोनेट है। तो देखिए जो मैग्नेसाइट होता है ये एक कार्बोनेट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इन चारों ही ऑप्शंस में से आपको बताना है कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब है कलकत्ता, यानी कि ऑप्शन सी कलकत्ता इसका सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, जीवित शरीर में कोशिका तथा ऊतक के मरने को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द डेथ ऑफ सेल एंड टिश्यू इन द लिविंग बॉडी कॉल्ड। तो देखिए, इसे कहा जाता है नेक्रोसिस, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका है, क्या जीवाणु है या फिर माइक्रोप्लाज्मा, विषाणु या फिर खमीर। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है, यानी कि अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस डीएनए वेयर इज फाउंड। तो इसका सही जवाब है वो है माइटोकांड्रिया, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ सनलाइट हीट्स द सोलर कुकर। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है अवरक्त किरणें, यानी कि इंफ्रारेड रेस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, न्यूनतम परागम्य शक्ति वाली किरण कौन सी है, क्या अल्फा किरण है, बीटा किरण है, गामा किरण है या फिर एक्स किरण है, यानी कि विच इज़ द रे विथ मिनिमम ट्रांसमिटिंग पावर, क्या अल्फा रे है, बीटा रे है, गामा रे है या फिर एक्स रे। इसका एग्जैक्ट जो सही जवाब है वो है अल्फा रे, यानी कि अल्फा किरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा पृथ्वी के वातावरण के गर्म होने का कारण है, क्या पराबैंगनी किरण है, गामा किरणें हैं या फिर अवरक्त किरणें हैं या फिर एक्स किरणें हैं। इसका सही जवाब है अवरक्त किरणें, यानी कि इंफ्रारेड रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, यानी कि हु वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब है चैडविक, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग आकार से संबंधित है, किसके आकार से संबंधित है, क्या नाभिक के यानी कि न्यूक्लियस के आकार से संबंधित है, परमाणु के आकार से संबंधित है या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, सही जवाब है नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है इस वीडियो का, अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके बनाते हैं, क्या एसिड बनाते हैं यानी कि अम्ल, क्षार, लवण या फिर पॉलीमर, यानी कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं यदि वो वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे। तो देखिए, जो मैक्सिमम नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो एसिड बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में वस्तु जल में डूब जाएगी, पूर्णतः डूबी हुई तैरेगी या फिर आंशिक रूप से डूबी हुई तैरेगी या फिर द्रव की सतह पर तैरेगी। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में क्या होगा। तो देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है, जो वस्तु है वो जल में डूब जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए, बिल्कुल इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को क्या करना है कि बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। सो उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल है, यदि अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो जाइए और इसे भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।